जो युवा है खासतौर पर वो इसे एकदम सही मान रहे हैं कि जुर्माने की राशि ज्यादा होगी तो कहीं ना कहीं लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे और उसको इसकी पालना करने के लिए बाध्य होंगे। दामोदर का एक बार रुख कर लेते हैं, राजधानी जयपुर में वो मौजूद हैं। दामोदर, नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर जो भी कवायदें सरकार के द्वारा की जा रही हैं, राशि को कम करने की कोशिशें की जा रही हैं, हालांकि गुजरात में हो चुका है और इसको लेकर बैठकों का दौर जारी है, क्या अपडेट इसको लेकर निकल कर आया? क्योंकि राजधानी से ही सारा सरकारी तंत्र चलता है, प्रशासनिक तंत्र वहीं से पूरा चलता है, तो क्या जानकारियां राजधानी से निकल कर आई हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, दो बातें निकल के सामने आ रही है। कुछ लोगों का ये कहना है कि यदि नियमों की पालना करोगे तो जुर्माने का आप पे जुर्माना भी नहीं हो पाएगा, और यदि आप नियमों की पालना नहीं करोगे तो जुर्माना जब जुर्माना लगेगा तो अपने आप नियमों की पालना करना शुरू कर दोगे। जो व्हीकल एक्ट का था, कल परिवहन मंत्री ने भी कहा था, क्योंकि यहाँ पे जो राज्य है, राजस्थान राज्य में इतनी भारी जुर्माना हम लोगों पे नहीं कर सकते हैं, इसको हम कम करके ही जुर्मानों को लागू करेंगे। इसको लेकर आज हम आम लोगों के बीच में पहुँचे हैं, इनसे भी पूछेंगे कि जो केंद्र सरकार द्वारा व्हीकल एक्ट लागू किया जा रहा है और राज्य सरकार द्वारा इसको नहीं अपनाने की बात आ रही है, क्योंकि भारी जुर्माना है, इसको लेकर भी हम लोगों से पूछते हैं कि आप बताएं, जो केंद्र सरकार ने जुर्माना लागू किया है, केंद्र भी नहीं और राज्य नहीं अपना रही, तो क्या 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 कारण है? सर, ये जो जुर्माना लगा रहे हैं बहुत भारी भरकम जुर्माना है। इसमें पता पड़ता है कि आदमी 15 से 20 हज़ार रुपये कमाता है, उसके 23 हज़ार का, 22 हज़ार का, 20 हज़ार का चालान हो जाए, वो कहाँ से भरेगा? आदमी घर खर्च कहाँ से चलाएगा? तो इसको पुनर्विचार किया जाए और जुर्माने की राशि जो भी हो, जिस गांव किसान गरीब जिस तरीके से जो मारामारी हो रही है इस टाइम, पहले लोगों के पास रोजगार नहीं है, ऊपर से जुर्माने की राशि इस तरीके से बढ़ा दी, इसका हम एक तरीके से विरोध करते हैं कि इतना जुर्माना नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं सरकार से कि पुनर्विचार किया जाए और जुर्माने की राशि जो भी संशोधन हो उसमें संशोधन किया जाए। और भी लोग हैं, उनसे पूछ लेते हैं, आप क्या इस व्हीकल एक्ट को लेकर क्या क्या विचार करते हैं? व्हीकल एक्ट को लेकर के हम ना नागरिक बहुत है ना इसमें रोष है, ये ना ना बहुत ना अनहोना अपराध किया है जनता के साथ। मेरा ना मेरा व्यक्तिगत विचार है कि जुर्माना 100-200 रुपए होना चाहिए। अगर नागरिक को यह ना अपराध करता है, कानून का उल्लंघन करता है, तो उसकी गाड़ी थाने में बंद होनी चाहिए और कोर्ट के द्वारा छूटनी चाहिए। जुर्माना बहुत से ना ये कम से कम होना चाहिए, अगर ना अधिक जुर्माना करेंगे तो ना ये सरकार का ना अन्याय होगा और इस पे ना भ्रष्टाचार को ना उल्टा बढ़ावा मिलेगा। जी जी, मतलब भ्रष्टाचार को ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, आप क्या देखते हो इसको? सबसे पहले तो केंद्र सरकार का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि जो केंद्र सरकार ने जो व्हीकल एक्ट जो लागू किया है वो बहुत शानदार और बेहतरीन किया है, क्योंकि हम देखेंगे जितना बेहतरीन सख्त कानून लागू होगा जितनी लोग उसकी अनुपालना करेंगे। अभी हम दिल्ली का ही उदाहरण देख लें, वहाँ पर दिल्ली के उदाहरण में हम देखेंगे कि 70% वहाँ पर जो ये चालान कट रहे थे वो चालान कटना बंद हो गया, प्रत्येक व्यक्ति वहाँ आराम से उनका अनुसरण कर रहा है। यानी दामोदर, इस चीज को ऐसे भी समझा जा सकता है, इसका एक पहलू ये भी है कि यदि आप ट्रैफिक नियमों को उनकी पालना करेंगे, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन आप नहीं